Assalamu alaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher. अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो इट्स बेटर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस एट टाइम्स मिलती रहें, ठीक है। तो देखें, आज हमने मैथ्स रिलेशनशिप के ऊपर न्यूमेरिकल करने हैं और इससे पहले भी हम मैथ्स रिलेशनशिप को डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी, आज इसकी एक और हम एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमारे पास ये मैथ्स रिलेशनशिप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड की बुक जो कि 2020 का एडिशन है वहाँ से लिया गया है। आज का हमारा लेक्चर फेडरल बोर्ड एज वेल एज कराची बोर्ड, आगा खान बोर्ड वगैरह वगैरह सबके लिए वैलिड है। इनफैक्ट ओ लेवल की केमिस्ट्री के अंदर भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। देखिए, टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, देखिए, अ स्मॉल पीस ऑफ प्योर एल्युमिनियम मेटल having a volume of 2.50 cm cube is reacted with excess of HCl. What is the weight of hydrogen gas liberated? The density of aluminium is 2.70 gram per cm cube. देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई एल्युमिनियम का पीस है और उसका वॉल्यूम है 2.50 cm cube. इसकी डेंसिटी हमको गिवन है। अब इस एल्युमिनियम के पीस के ऊपर एक्सेस एचसीएल डाला गया। अभी आपको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूं कि क्या होता है जब मेटल के ऊपर आप एसिड डालते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड इज एडेड टू अ मेटल, ठीक है। तो ये बहुत ही वेल नोन एक रिएक्शन है कि व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो अब क्या होगा कि मेटल के ऊपर आपने एक्सेस में एसिड डाल दिया है, अब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द मास ऑफ दिस हाइड्रोजन। बजाय तो ऐसा लिखा है कि वेट ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर वेट W इज इक्वल टू एम जी नहीं होता। वेट W इज इक्वल टू एम जी जो है वो फिजिक्स के अंदर होता है। यहाँ वेट से मुराद हाइड्रोजन का मैस है, ठीक है। तो हमें ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है इसका मैस फाइंड आउट करना है। अगेन देख लें कि हम क्या करने जा रहे हैं। हमारे पास एक एल्युमिनियम का पीस है, उसका वॉल्यूम हमको गिवेन है और उसकी डेंसिटी हमको गिवेन है। हम इसके ऊपर एक्सेस एचसीएल डाल रहे हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और अब हमें ये मालूम करना है कि इस हाइड्रोजन गैस का मास कितना है। अब देखिए कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। हमें एल्युमिनियम गिवेन है और उसका हमें वॉल्यूम गिवेन है। इसके ऊपर हम HCl डाल रहे हैं एक्सिस में, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कैसे पता चला? मेटल प्लस एसिड रिलीज हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड रिलीज हाइड्रोजन। तो हमें ये पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इसका मास हमें फाइंड आउट करना है। और क्या बनेगा? AlCl3 बनेगा। अब देखें, ये मैंने AlCl3 क्यों लिखा, ये अब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्या मैं यहाँ पे AlCl4 नहीं लिख सकता था, या मैं यहाँ पे AlCl2 लिख देता, या बहुत ही सिंपल करता मैं AlCl लिख देता। आखिर मैंने AlCl3 क्यों लिखा? अब अगर आप गौर करेंगे तो आपको याद आएगा कि एल्युमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3। एल्युमिनियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है और ग्रुप 3 के एलिमेंट्स दे आर ट्राईवेलेंट। ग्रुप 3 के एलिमेंट ट्राईवेलेंट होते हैं, यानी 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। सो वन एल्युमिनियम विल नीड 3 क्लोरीन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन AlCl3, ठीक है। अब याद रखिएगा, बिकॉज एल्युमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, दैट्स व्हाई इट इज ट्राईवेलेंट, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन AlCl3। अब देखें, यहां एक बात यह है कि हमारे पास 3 क्लोरीन है और यहाँ हमारे पास 1 क्लोरीन है। इधर एक हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है।
और ये पहला काम है, पहला अहम काम है कि इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। अब क्या करें, देखिए यहाँ 3HCl मैंने लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि क्लोरीन बैलेंस्ड हो गया। अब क्लोरीन बैलेंस हो गए, लेकिन अगर आप गौर करें कि हाइड्रोजन डिसबैलेंस है, हाइड्रोजन 2 है और लेफ्ट के ऊपर हाइड्रोजन कितने हो गए, लेफ्ट के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, राइट के ऊपर देयर आर हाउ मेनी 2 हाइड्रोजन और लेफ्ट के ऊपर देखें 3 हाइड्रोजन है। अब क्या करें, अब 2 और 3 को बैलेंस करने के लिए हमने 1.5 कर दिया। अब इस 1.5 से फायदा क्या हुआ, हाइड्रोजन यहाँ अब कितनी हो गई, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 3 हाइड्रोजन हो गए, यानी अब ये इक्वेशन बैलेंस है। अब हमने इक्वेशन बैलेंस तो कर ली, लेकिन आमतौर पर कन्वेंशनली ऐसा करते नहीं है, यानी पॉइंट्स के अंदर कोई इक्वेशन होती नहीं है। तो 1.5 में बेसिकली हमें 0.5 से जान छुड़ानी है। अब उसका क्या तरीका है, 0.5 से जान छुड़ाने का बड़ा एक आसान सा तरीका है, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2। इक्वेशन में जो भी सलूक करते हैं वो फिर क्या करना पड़ता है, सबके साथ। अब क्या करें, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2। अब अगर हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 1AL के बजाय 2AL आ गया, 3HCl के बजाय क्या आ गया हमारे पास 6HCl, 1.5 की जगह आ गया 3 और 1 की जगह आ गया 2। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड। नाउ वी आर रेडी टू गो, अब हम इसको आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब देखें हमें क्या गिवेन है, हमें एल्युमिनियम का वॉल्यूम गिवेन है और एल्युमिनियम की हमें डेंसिटी भी गिवेन है, ठीक है। अब एक तो बात यह कि अगर किसी चीज का वॉल्यूम गिवेन हो और डेंसिटी भी गिवेन हो तो उससे कुछ आपको याद आता है कि हम क्या कर सकते हैं? जी आप लोग सही सोच रहे हैं कि इफ वी आर गिवेन वॉल्यूम एंड डेंसिटी देन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और हम यही करेंगे। हमें वॉल्यूम भी गिवेन है, वी आर गिवेन वॉल्यूम, वी आर गिविंग डेंसिटी, तो अब हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है, जो हमें गिवन थी। अब हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास फाइनली मास कितना आ जाएगा, 6.75 ग्राम एल्युमिनियम। अब अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास अगेन यही इक्वेशन है। अब हमारी फाइंडिंग क्या है, वी हैव कैलकुलेटेड मास, हमने एल्युमिनियम का मास कैलकुलेट कर दिया और हमें हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट करना। नाउ वी विल अप्लाई मास मास रिलेशनशिप, वी आर गिवन मास, वी हैव टू कैलकुलेट मास। हम क्या करेंगे, मास मास रिलेशनशिप हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, टू बाय कैलकुलेटिंग मास ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मास मास रिलेशनशिप इज बिल्ट बाय कैलकुलेटिंग मास ऑफ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में चूंकि एल्युमिनियम का 2 था, ये वैसे का वैसा रहा और एल्युमिनियम का एटॉमिक मास हमने रख दिया। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास में आपको मशवरा दूंगा कि चूंकि आपकी बुक का न्यूमेरिकल है याद करते, होपफुली ये एग्जाम में दिया जाएगा, फिर भी एहतियातन इसको आप याद कर दीजिए, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम का हमने एटॉमिक मास पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया 54 ग्राम। और अगर हम हाइड्रोजन की तरफ आ जाएं तो ये 3 हमने ऐसे कैसे रखा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमने पुट किया और फिर 2 के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मास मास रिलेशनशिप है। इसके बाद हम क्या करते हैं, वही नोन इज इक्वल टू अननोन। इक्वेशन में हमारी नोन क्या है, एल्युमिनियम का अमाउंट नोन है। अननोन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करना है। तो हमने नोन और अननोन को आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखा। फिर क्या करेंगे, पहली इक्वेशन बनाएंगे हम रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप में ये देखना है कि एल्युमिनियम कितनी है, तो हम आ जाएंगे रिलेशनशिप में, एल्युमिनियम है 54 ग्राम। फिर देखेंगे कि रिलेशनशिप में हमारी हाइड्रोजन कितनी है, तो हाइड्रोजन रिलेशनशिप में है 6 ग्राम। तो ये इक्वेशन हमने बनाई रिलेशनशिप से।
ये इक्वेशन रिलेशनशिप से बनाने के बाद फिर हम जाते हैं एक्चुअल पे। एक्चुअल में हमारे पास एल्युमिनियम कितना है? एक्चुअल में हमारे पास एल्युमिनियम है 6.75 ग्राम। अब क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 6, ये वाला 6 अपनी जगह रहता है, ये वैल्यू अपनी जगह रहती है, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली वैल्यू डिवाइड होती है। ठीक है, हम ये सारी चीजें करेंगे तो वी विल गेट आंसर 0.75 ग्राम हाइड्रोजन। अगेन आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है, आसान न्यूमेरिकल होते हैं और इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। और जो है आपको भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट हो तो आप हमसे पूछिए, वरना मुझे ऐसा लगा कि तकरीबन ये जितने न्यूमेरिकल बुक के अंदर थे मैथमेटिक्स रिलेशनशिप के वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कोई मुश्किल हो यू कैन आस्क इन कमेंट। सो इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कीप वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बॉन्ड टीचर और सब्सक्राइब इट एंड प्रेस बेल नोटिफिकेशन। इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।